दोस्तों, अगर आप भी अपने शोल्डर को चौड़े और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे और उसके पीछे का साइंस भी बताएंगे जिससे आपका वर्कआउट सही से परफॉर्म कर सको और आपको रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहली एक्सरसाइज हम शोल्डर प्रेस करेंगे। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग ये एक्सरसाइज करते भी होंगे, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप ये वर्कआउट को परफॉर्म करो उस समय आपको डंबल धीरे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। ऐसे करने से आपके शोल्डर के डेल्टोइड मसल पर ज़्यादा लोड पड़ेगा जिससे आपके शोल्डर अच्छे से डेवलप होंगे। अगर आप बिगिनर है तो आपको इस वर्कआउट को पहले शोल्डर प्रेस मशीन से करना है ताकि आप अच्छे से परफेक्शन के साथ इस वर्कआउट को कर सको। दोस्तों, बिगिनर के लिए परफेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे वर्कआउट में हम फ्रंट शोल्डर रेज करेंगे। दोस्तों, जब आप ये वर्कआउट परफॉर्म करो तब आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, अपने बॉडी का जो वेट है एक जगह बैलेंस बनाए रखना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे वर्कआउट में हम शोल्डर रेज करेंगे। दोस्तों, ये वर्कआउट आप स्टार्टिंग में हल्के वेट से करें वरना इंजरी होने के चांसेस है। ध्यान इस बात का रखें, हर एक सेट के बाद आपको शोल्डर का स्ट्रेचिंग जरूर करें। दोस्तों, चौथे वर्कआउट में हम राउंड शोल्डर को डेवलप करने के लिए वर्कआउट करेंगे। उसके लिए आपको एक भारी प्लेट ले लेनी है। वीडियो में बताए अनुसार आपको मूवमेंट करना है। ऐसे करने से आपके शोल्डर के डेल्टोइड मसल पर लोड पड़ेगा और सर्कुलर मोशन में करने से आपके राउंड शोल्डर डेवलप होंगे। और दोस्तों, पांचवें वर्कआउट में हम अपराइट रो करेंगे। दोस्तों, ये एक्सरसाइज शोल्डर की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये वर्कआउट करने से आपके शोल्डर की साइज इंक्रीज होती है जिससे आपके कंधे चौड़े होते हैं। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको प्रोटीन वाला डाइट जरूर ले और 8 घंटे की स्लीप जरूर ले। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए सिक्स पैक माइलस्टोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों।